Next, we are talking about elastic collision in 2D, right? Or oblique collision. Oblique collision. ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. पहली चीज ये ध्यान रखना है कि हम काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें यूज करेंगे. किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए. यहां लिख दिया इलास्टिक. प्रीवियसली हमने क्या स्टडी किया था? इन इलास्टिक, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा था, चेंज हो रहा था. यहाँ पे जब हमने वर्ड डाल दिया इलास्टिक, इसका मतलब ध्यान रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हर एक डेरिवेशन में अप्लाई करना है. जहां इलास्टिक लग जाए वहां पे क्या भी अप्लाई करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दो चीजें आपको अप्लाई करनी रहेंगी. ठीक है, सो 2D के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ समझिए. लेट सपोज एक M1 ऑब्जेक्ट है जो किसी U1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो यहां पर रेस्ट पर है, M2 एट रेस्ट. ये एट रेस्ट है. बोले तो U2 कितनी है? जीरो. अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि कोलिजन होने के बाद इनकी डायरेक्शन कुछ चेंज हो गई अपनी एक्चुअल पाथ से. तो मान लीजिए कि ये वाली जो डायरेक्शन है, डॉटेड लाइन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, या ये जो नीचे वाली बोर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिए. तो आफ्टर कोलिजन है ना, ये यहां से ही मैं बता देता हूं कि ये कोलिजन यहां पे टकराए होंगे. टकराने के बाद ये अपनी एक्सिस से, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस से, और कुछ ये इसको मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्सिस होगी. सो इससे कहीं पे यहां पर चला गया एक ऑब्जेक्ट, यहां पे आ गया ये इस तरीके से, यहां पे आ गया कौन? लेट सपोज M1, और ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी V1 से. अब अगर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखा जाए तो अगर ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये एंगल अगर मैं थीटा 1 मान लूं, तो ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा 1 होगा. तो इसका ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अलग से नजर आए. ये अगर V1 वेलोसिटी है तो इसका ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या कहलाएगा भाई? V1 cos थीटा 1. ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाएगा M1 का? तो इस एरो हेड से एक परपेंडिकुलर यहां डालेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट कहलाया, ये कहलाया क्या? V1 sin थीटा 1. ये किसके कंपोनेंट हो गए? वेलोसिटी V1 के. M1 लेट सपोज ऊपर की तरफ गया है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 डायरेक्शन में, और M2 जो है वो नीचे की तरफ गया है कहीं पे इस तरफ. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन गए प्लेन में ही है, 2D में ही. इस चीज का भी ध्यान रखना है, 3D में नहीं गए. तो लेट सपोज ये वेलोसिटी है V2, किसकी? M2 की. तो M2 का एक कंपोनेंट मान लीजिए है V2, और ये अगर एंगल थीटा 2 लिख दूं मैं एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑब्लिक लाइन, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और ये ऑब्लिक लाइन, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गया थीटा 2. तो ये थीटा 2 हो गया. तो V2 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कितना आ गया? ये वाला कंपोनेंट V2 cos थीटा 2. इसी तरह से V2 का वर्टिकल कंपोनेंट किधर की तरफ आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ. तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? V2 sin थीटा 2. डायरेक्शन बोलूं तो ये माइनस जे कैप है, इसकी डायरेक्शन बोलूं तो ये प्लस का जे कैप है, इसकी डायरेक्शन बोलूं V1 cos थीटा 1 की डायरेक्शन तो ये आई कैप है, V2 cos थीटा 2 की डायरेक्शन प्लस का आई कैप है, यानी कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, ये डायग्राम पहले बताइए कितनों को अच्छे से समझ में आ गया. तो देखिए अभी यहाँ पर हम इसको इसका हमारा एम कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. लेकिन यहाँ पर क्योंकि
ये मोशन 2D में है, तो जब भी 2D में मोशन हो ऑलवेज थिंक, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ अपने माइंड में फिट करके रखें, जब भी कोई भी मोशन 2D में हो यानी कि वन डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन में इन्वॉल्व हो, तो आप हर एक डायमेंशन की सेपरेट सेपरेट स्टडी करें। और वो सेपरेट स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को जितनी डायमेंशन इन्वॉल्व है उन सब में ब्रेक कर देते हैं बाय यूजिंग या तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। तो हम यहाँ की 2D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ V1 वेक्टर था और V2 वेक्टर था, इसको हमने क्योंकि 2D में था इसलिए दो डायमेंशन इन्वॉल्व थी, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई, तो हमने V1 को ब्रेक कर दिया दो डायरेक्शन में। V1 का एक कॉम्पोनेंट V1 cos theta 1 एक्स डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट कहलाया, तो V1 cos theta 1 इज नथिंग बट द V1x, V1 का x कॉम्पोनेंट। ये V1 sin theta 1 क्या है, V1 y, तो V1 को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। V1 वेक्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू V1x प्लस V1 y। इसी तरह से V2 को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, V2 x एंड V2 y। ये V2 का x कंपोनेंट हो गया और ये V2 का y कंपोनेंट हो गया। तो जब भी कभी वेक्टर क्वांटिटी दो डायमेंशन को इन्वॉल्व कर रही हो और उसकी स्टडी करनी हो, उसको आप हमेशा दो उतनी डायमेंशन में ब्रेक करें और हर एक पार्ट की सेपरेट स्टडी करें, ठीक है। तो सेपरेट स्टडी के लिए हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेपरेटली अप्लाई करेंगे और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली अप्लाई करेंगे। उससे पहले अब हमें पता है लीनियर मोमेंटम चाहिए, तो हम क्या करें, पहले ही कुछ चीजें पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि भाई टोटल लीनियर मोमेंटम पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, एक्स डायरेक्शन में क्या क्या था, बाद में क्या क्या था। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो बिफोर कोलिजन पी टोटल बिफोर कितना होना चाहिए भाई, m1 u1, ठीक है। ये u1 x डायरेक्शन में लिख रहा है, तो आप इस पे वेक्टर लगाएं या u1 i कैप लगाएं, एक ही बात है, प्लस जीरो, तो ये प्लस जीरो। तो p टोटल बिफोर ये कौन सी डायरेक्शन का है, बेसिकली x डायरेक्शन का, और y डायरेक्शन में क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो y डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में अगर मान लीजिए लिखना भी हो कोई कह दे, तो आप क्या लिखोगे, p टोटल बिफोर कोलिजन इन y डायरेक्शन कितना होगा भाई, एवरीवन जीरो। ये बिफोर कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में लिख लिया हमने। अब ये बिफोर की कहानी पूरी हो गई, अब हम क्या करें, आफ्टर कोलिजन x और y डायरेक्शन में अलग अलग लिखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, हियर द m1 हैज टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। स्टेप वन, यहां से हमारा डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हैज टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये पहला पॉइंट, विच आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट m1, बता सकते हैं x डायरेक्शन के अंदर, फर्स्ट इन या अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, m1 v1 cos theta 1, ये किसके अलोंग है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। v1 cos theta 1 इधर है, तो इधर लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा, m1 into v1 cos theta 1 एक्स डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। सेकेंड कॉम्पोनेंट m1 का क्या मिलेगा, m1 v1 sin theta 1, ये किधर मिल रहा है, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ये हमने m1 की कहानी लिख दी साहब यहां पर। अब किसके लिए भी लिख दें हम, m2 के लिए। सिमिलरली
फॉर M2 के लिए फर्स्ट लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। M2 V2 cos θ2 कौन सी डायरेक्शन क्या लो, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक इसी तरह से सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, M2 V2 sin θ2 किसके अलोंग, अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, सॉरी नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इतना चीज समझ में आती है। तो अगर मैं यहां से बोलूंगा तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस का मतलब हुआ M1 V1 cos θ1 आई कैप, इसको सॉरी M2 V2 cos θ2 आई कैप, और इसको लिखेंगे M2 V2 sin θ2 -j कैप। ठीक है, इसी तरह से आप इसको क्या लिखोगे, M1 V1 cos θ1 + i कैप, और इसको क्या लिखोगे, M1 V1 sin θ1 + j कैप। ये हमारे पास कुछ डेटा हमने प्री डिफाइन कर दिए डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, कहां पर, एक्स डायरेक्शन में सेपरेटली और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली। सो स्टेप टू, इन एक्स डायरेक्शन, अब एक्स डायरेक्शन में स्टडी चल रही है, इन एक्स डायरेक्शन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लगाइए साहब क्या होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो पी टोटल बिफोर इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इज इक्वल्स टू P total after in x direction. P total before x direction linear momentum कितना है, M1 U1, ये लिख दिया साहब हमने M1 U1, direction पूछू तो plus का ही cap। ठीक है, अच्छा P total after collision इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में एक है M1 का कंपोनेंट और एक है M2 का, इन दोनों का लीनियर मोमेंटम मुझे ऐड करना है, तो उसको कैसे लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं, P1x + P2x, इसको डैश कर देता हूं क्योंकि आफ्टर आया है, तो ये कितना हो जाएगा, P1x बोलो क्या हो जाएगा, M1 V1 cos θ1 i कैप, M1 V1 cos θ1 i कैप, 1 का हो गया, 2 का x डायरेक्शन में M2 V2 cos θ2 + i कैप, क्योंकि सभी i कैप ही चल रहे हैं, तो हम इनको क्या कर देते हैं, जो बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलता है अक्सर, मैंने इसलिए इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। बुक्स में क्या होता है कि ये i कैप वगैरह को ना लिख करके वो प्लस माइनस में दिखाते हैं, तो हम क्या देखो यहां पे कैसे हो गया, क्योंकि सभी आई कैप है, हटा दो या तो कॉमन लेकर के काट दो, वैसे काटते नहीं डायरेक्शन को, तो इसलिए हम कैसे लिख देते हैं, आई कैप को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, इफ यू एज्यूम आई कैप एज पॉजिटिव डायरेक्शन देन व्हाट वी कैन राइट, M1 U1 = M1 V1 cos θ1 + M2 V2 cos θ2, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन्ड, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इनसाइड दिस, हमारा मेन डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, ये इससे पहले की चीजें जो रिक्वायर्ड थी ताकि हमें पता रहे कि जब हम अप्लाई करें तो उसमें क्या लिखना है, इसलिए हमने डिफाइन कर दी थी, मेन डेरिवेशन यही था, एक हमें इक्वेशन मिल गई, एक रिलेशन मिल गया, खत्म कहानी। इसी तरह से अब स्टेप थ्री, अभी हमने ये एक्स डायरेक्शन में कर ली, अब हमें करनी है स्टडी वाई डायरेक्शन में, सो इन वाई डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या लगाएं, फिर से बाय अप्लाइंग
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या मिलेगा साहब हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में पी टोटल बिफोर वाई डायरेक्शन, पीटी बिफोर वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। जल्दी से बताइए भाई, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाई डायरेक्शन में कितना है? जीरो। कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो y का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, और ये तो पहले से बेचारा रुका पड़ा हुआ है, रेस्ट पर है, तो y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है बिफोर कोलिजन, तो ये तो हो गया जीरो। p टोटल बिफोर y डायरेक्शन, p टोटल आफ्टर y डायरेक्शन को लिख देते हैं पहले, p1 डैश y, p2 डैश p डैश या p2 y डैश, है ना, p1 y डैश p2 y डैश। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो साहब, जीरो तो मैं इसको ऐसे घुमा के लिख लेता हूं, P1 y dash plus P2 y dash is equals to zero. Value substitute करते हैं y component की। First का y component देखें, तो first का y component ये रहा, positive x axis है, oh sorry positive y axis है, तो plus का j, तो positive components का plus का मान लेते हैं। तो अब मैं देखो यहाँ पे direct value लिख रहा हूँ, m1 v1 sin theta 1, अब plus का j क्या लिखें, या प्लस j को हमने पॉजिटिव मान लिया क्योंकि y डायरेक्शन अलग से हम मेंशन कर चुके हैं। फिर उसी के बाद प्लस, फिर y डायरेक्शन का सेकंड का कंपोनेंट, ध्यान से देखें तो ये माइनस है, तो अगर किसी को तकलीफ हो तो पहले आप एक काम करो, ये लो j कैप लिख लो, फिर मैंने लिख दिया m2 v2 sin थीटा 2 माइनस j कैप, यहां लिख दिया माइनस j कैप इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस इस प्लस की जगह आकर के क्या बन जाएगा, माइनस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एम वन वी वन साइन थीटा वन जे कैप माइनस एम टू वी टू साइन थीटा टू जे कैप। अब जे कैप हट जाएंगे, तो इसका मतलब यही तो था, प्लस का जे कैप का मतलब पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव जे कैप का मतलब नेगेटिव मान लिया, तो हम डायरेक्टली क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साहब m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2 is equals to 0। ये हमारे पास एक नया दूसरा रिलेशन आ गया, दो इक्वेशन अभी तक हमें ऑप्टेन हो चुकी है, किससे ऑप्टेन हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यही ही अप्लाई कर सकते थे। अब एक और चीज अप्लाई क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें तो स्क्वायर आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर अपने आप ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पे कंपोनेंट कभी भी नहीं करते, ठीक है, उससे कोई अलग होगा भी नहीं। तो अब मेरे पास स्टेप नंबर सेकेंड थर्ड और ये स्टेप नंबर इसको वन बोल देते हैं जो हमने लगाई, स्टेप टू और इसको स्टेप थ्री, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा स्टेप वन दे रखी क्या, हाँ ठीक है ठीक है, स्टेप वन टू थ्री फोर, फोर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ समझने के लिए, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये किस में लगता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन चल रहा है इसलिए लगाया, इनइलास्टिक होता तो नहीं लगाते। क्या लिख दें, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, काइनेटिक एनर्जी टोटल आफ्टर कोलिजन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर क्या लिखूंगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल आफ्टर कितनी है, एक m1 से जा रहा है एक m2 से जा रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ज्यादा ज्यादा हाफ 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 दोनों तरफ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन थ्री।
तो हमें जो हमारे पास डेटा था और जो हमारे पास लॉज या कॉन्सेप्ट थे उनके बेस पर इस सिचुएशन में हमें तीन रिलेशन मिले। दो रिलेशन हमें मिल पाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको हमने दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई किया और उससे दो इक्वेशन मिली। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास बच रहा था, मतलब दो रिलेशन तो लीनियर मोमेंटम के लॉ के कारण आया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और थर्ड रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन में, उससे तीन ही रिलेशन आ पाए। अब हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अब नहीं है तो क्या करें, जो है उन्हीं से ही काम चलाना पड़ता है। तो क्या चलाना पड़ता है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना होता है, यहां पे वेरिएबल्स अगर बोले जाएं आपके पास तो वेरिएबल्स वो हैं जो आफ्टर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन वाली सारी चीजें क्या कहलाती है, गिवन। तो गिवन क्या है, ये सारी चीजें गिवन है आपके पास, ये गिवन डेटा कहलाता है, यानी कि U1 गिवन में काउंट किया जाता है, M1 गिवन में काउंट किया जाता है, M2 U2 गिवन में काउंट किए जाते हैं। अननोन्स क्या होते हैं, जो आफ्टर कोलिजन होते हैं, आफ्टर कोलिजन में अब M1 M2 तो ऑलरेडी पता है, क्या अननोन है, V1 V2, थीटा 1 थीटा 2। सो वी हैव हियर वी हैव फोर अननोन्स। वॉट आर दे, वी वन वी टू थीटा वन एंड थीटा टू, बट वी हैव ओनली हाउ मेनी इक्वेशंस, वी हैव ओनली थ्री इक्वेशंस विच कैन नॉट बी सॉल्व। फोर इक्वेशंस थ्री अननोन होते सॉल्व हो जाता, फोर इक्वेशंस फोर अननोन होते सॉल्व हो जाता, जितने अननोन हो मिनिमम उतनी इक्वेशन हमेशा रिक्वायर्ड होती है डेटास को सॉल्व करने के लिए। जितने अननोन हो, टू अननोन्स होंगे तो कम से कम टू इक्वेशन चाहिए होती है, थ्री अननोन्स हो तो मिनिमम थ्री इक्वेशन चाहिए होती है, तीन या तीन से ज्यादा होंगे तो थ्री अननोन सॉल्व हो जाएंगे। फोर वेरिएबल्स हैं, फोर अननोन क्वांटिटीज हैं, तो मिनिमम फोर इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमें मिली कितनी रही है, थ्री। तो होता क्या है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है उसमें से आपको इन चार में से V1, V2, थीटा 1, थीटा 2 में से कोई सा एक डेटा आपको दे दिया जाता है, और फिर आपके पास जैसे एक डेटा दे दिया, मान लीजिए थीटा 1 ही दे दिया, तो अननोन क्या रह गए, V1, V2, थीटा 2, और इक्वेशंस कितनी है, थ्री। तो थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन्स, वो फिर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक डेटा दे दिया जाता है। और अगर जब प्रैक्टिकल की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व वन ऑफ द वैल्यू एंड बेस्ड ऑन दिस आफ्टरवर्ड्स वी गेट ओनली थ्री अननोन टर्म्स एंड वी सॉल्व इट, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन इन 2D, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। सो दीज आर द थ्री इक्वेशन, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जो इक्वेशन जहां आई है उनको एज इट इज रखना है, और लास्ट में यही लाइन लिखनी है जो मैंने लिख रखी है, क्या, here we get four unknowns v1 v2 theta 1 theta 2, but we have only three equations, so by knowing any one of the variable we can solve remaining three unknowns. How many of you understood it fully, properly?